और अब बात बुलंदशहर के भादवां गांव की। पुरानी कहा सुनी और खेला गया खूनी खेल। इस खेल में एक बुजुर्ग पर गोलियां चलाई गईं, लेकिन ऊपर वाले का रहम कहिए कि गोली उस बुजुर्ग के हाथ को बस छू कर निकल गई। लेकिन सवाल के घेरे में फिर से कानून व्यवस्था और खाकी, क्योंकि क्या सूबे में खाकी का खौफ अपराधियों के दिल से निकलता जा रहा है? बुलंदशहर में चली गोलियां, बुजुर्ग पर बरसाई गोलियां, मामूली कहा सुनी में खूनी खेल। बुलंदशहर का खुर्जा जहां भादवा गांव में मामूली कहा सुनी को लेकर चली गोलियां। जी हां, अस्पताल के बेड पर घायल हालत लेटा वही शख्स है जो बुलंदशहर में दबंगों की गोलियों से घायल हुआ है। दबंगों ने बुजुर्ग को मारी गोली। कुछ दिनों पहले हुआ मामूली से विवाद में गांव के ही दबंगों ने जयवीर सिंह पर गोलियां बरसा दी। मामूली विवाद में बरसाई गोलियां। भादवा गांव के जयवीर का कुछ दिनों पहले ही नेत्रपाल और ब्रह्म सिंह से कहा सुनी हुई थी। उस रोज तो मामला शांत हो गया, लेकिन नेत्रपाल और ब्रह्म सिंह के दिल में एक रंजिश रह गई। कुछ ही दिनों में उस रंजिश ने खूनी रंग ले लिया। दबंगों के सिर पर खून सवार हो गया और रात के वक्त वो जयवीर के घर पहुंच गए। पहले पुरानी विवाद कहा सुनी हुई, दोनों ने एक दूसरे पर भारी पड़ने की कोशिश की और थोड़ी ही देर में चल गई गोलियां। और बीती रात जो है भादवा गांव में जयवीर सिंह एक बुजुर्ग हैं, उनके गोली लगने की सूचना पुलिस पहुंची और उसमें उन्होंने तहरीर के हिसाब से मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और जांच चल रही है और अग्रिम कार्रवाई हेतु निर्देशित कर दिया गया है। देखते ही देखते दुश्मनों ने जयवीर पर गोलियां बरसा दी। गनीमत ये रही कि गोली बुजुर्ग के हाथ में जा लगी। बुजुर्ग को अस्पताल लाया गया। अपिन सनोप मेघराज सिंह, नेत्रपाल सनोप सरवणा और ब्रह्म सिंह सनोप रामदयाली, इन्होंने आकर इन पर गोली चलाई है, गोली मारी बाहर। क्या तुम्हारी उनसे कभी पहले लड़ाई है, झगड़ा है, कोई विवाद है? ना, हमारा कोई ना, केवल मोहबाद है। वो 3 दिन पहले अपिन थे, वो जो पापन को गोलीकांड की खबर पर पहुंची पुलिस ने मामला तो दर्ज किया। पुलिस का दावा है कि जल्द ही गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस जांच में क्या निकल कर सामने आता है, कब तक पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पाती है। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।